आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है, जहां रीवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल की बड़ी जीत हुई है। रीवा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल की हुई ऐतिहासिक जीत, प्रशासन ने दिया प्रमाण पत्र। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। और इस विकास को लगातार जारी रखने के लिए दिया गया यह जनादेश है, और आने वाले समय में सिंचाई का रकबा जो 3 लाख एकड़, उसको 1.5 साल में 6 लाख एकड़ और फिर 5 सालों में 9 लाख एकड़ तक पहुँचाने का हम सबका प्रयास रहेगा। हमारे साथ नरेंद्र प्रजापति जी और सिद्धार्थ तिवारी जी भी विजेता के रूप में मेरे साथ यहाँ पर हैं, और हम सब पूरी ताकत लगाएंगे। और 8 में 7 सीट तो क्लियर हो गई हैं, और 8वें में भी 2-400 वोट का आगे पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2008 को 18 को रीवा की जनता ने रिपीट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि पिछली बार अल्पमत में थी सरकार, विभिन्न क्षेत्र से मंत्री नहीं बनाया गया, विकास को नहीं रुका, लेकिन जनता की आस्था कहीं न कहीं आपसे जुड़ी थी। इस बार हम लोग उम्मीद करें और यहाँ की जनता उम्मीद करे कि यहाँ से नेतृत्व मिलेगा। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय करता है। आपने देखा होगा, जब मंत्री नहीं भी बनाया था तो भी हमने कोई कसर छोड़ा नहीं था। लोग कहते थे बिना मंत्री के मंत्री है ये, और फिर बाद में मंत्री भी बने। तो आने वाले समय में क्या निर्णय होता है उस पर हम लोगों को जनता ने जिता दिया, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना।